नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की यौमे पैदाइश के मौके पर नगर के नाना मऊ तिराहा स्थित मस्जिद आलिम साहब से शानो शौकत के साथ जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस की अगुवाई काजी शहर सैयद जियाउल आरफीन व जुलूस मोहम्मदी कमेटी के सदर सैयद मोहम्मद गयासुद्दीन गौसी मियां ने किया। हरदोई उन्नाव मार्ग से होते हुए जुलूस नगर के लखनऊ मार्ग चौराहे पर पहुंचा। यहां पर उलेमा इकराम ने हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम दिया। काजी शहर सैयद जियाउल आरफीन ने कहा कि पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब ने दुनिया के लोगों को नेक रास्ते पर चलने और बुराइयों से बचने की तालीम दी। मौलाना अब्दुल मुबीन ने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चलकर ही हम और आप दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। यहाँ पर कई नात ख्वाह ने हुजूर की शान में नात पढ़कर खूब वाहवाही लूटी। दोपहर करीब 1 बजे जुलूस चूड़ी वाली गली से मोहल्ला भटपुरी होते हुए मोहल्ला मुकरियाना पहुँचा, जहाँ मदीना मस्जिद में जोहर की नमाज अदा की गई। बाद नमाज जोहर जुलूस मोहल्ला गुलाम मुस्तफ़ा कस्बा टोला हटिया होते हुए करीब 4 बजे दरगाह शरीफ पहुँचा। यहाँ जायरीन मीर सैयद अलाउद्दीन मीरा शाह बाबा के उर्स में शामिल हुए। यहाँ से सैयद वाडा व मेमारन टोला होते हुए शाम करीब 6 बजे पुनः मस्जिद आलिम शाह पहुँचा, जहाँ दुरूद सलाम के साथ जुलूस का समापन हुआ। जुलूस में मौलाना अनस कमर, हाफिज यूसुफ मलिक, हाफिज सरताज, हाफिज सिताब, अयान खान, हाजी आसिफ हुसैन, सैफ खान, हाजी शकील, माजिद अंसारी समेत हजारों लोग शामिल हुए। इसी क्रम में कस्बा गंज मुरादाबाद के अलावा ग्राम दरियापुर, मदार नगर, अत्तरधनी व शीतलगंज आदि सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी जुलसे मोहम्मदी निकाला गया। रिपोर्ट जमीर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।